Hey guys what's up welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you now i ajay kumar your english teacher is going to read the next part of the chapter journey to the center of the earth well uh, do you remember what you have learned in a uh, first two part of this chapter how uh, arne sekundson and his uh, companion hans the icelandic guide both were traveling towards the center of the earth while in the journey they uh, you know saw many different things which they have never seen and uh, somewhere they have uh, told like they have uh, you know seen these all things in the dreams the trees, the you know, like uh, plants, the shrubs uh, which were colorless, the groves, and you know, the I mean, brooks. Apart from that, they have seen uh, gigantic uh, elephants, right, and uh, a man of 12 feet, and all that. And now they are comparing that. This all was folly and nothing else because it has surpassed the you know modern science uh, assumptions as well. Now let us go through the third part of this uh, story. During this time, we had left the bright and transparent forest far behind us. We were we were mute with astonishment, we kept running in spite of ourselves. It was a perfect right, which resembled one of those horrible sensations we sometimes meet within our dreams. Instinctively, we made our way towards the central sea, and I cannot now tell what wild thought passed through my mind. But for a very serious preoccupation which brought me back to the practical life though i was aware that we were trading on a soil quite new to us i however every now and then noticed certain group of rocks the shape of which forcibly reminded me of those near port great chain in this part uh,

और यह एक सही समय था जब उन्होंने उन चीज़ों को आ, मिलाना शुरू किया था जो कि एक हॉरेबल सेंसेशन के जैसा था जो उनको उनके सपने में इन्होंने देखा था या सपने से मिलता जुलता था नाउ इस तरह से वो आगे बढ़ते गए और सेंट्रल सी की तरफ जब वो आगे बढ़े तो यू नो हैंस इज़ नाउ टेलिंग की ही कैनॉट आई कैनॉट नाउ टेल वट वाइल्ड थाट्स उसके दिमाग में अभी भी कुछ ऐसे डरावने यू नो थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग से ऐसे थॉट्स पास हो रहे थे जो कि यू नो उनको बहुत डरा रहा था बट फॉर अ वेरी सीरियस प्री ऑक्योपेशन विच ब्राउट मी बट दे हैव टू कंट्रोल देयर माइंड एंड फियर ऑल उनको अपने सोच पे उनके अपने जो उनके आँखों के सामने आ रहा था जो ड्रीम में देख रहे थे उन सब चीज़ों से निकल कर के प्रैक्टिकल लाइफ में जो अभी वो जिस चीज़ के बारे में वो एक्सप्लोर कर रहे थे जिस चीज़ को वो जानना चाह रहे थे उसके बारे में उनको सोचना चाहिए था इस बारे में वो उसने सोचना स्टार्ट किया क्योंकि ये लोग इस बात से अवेयर थे कि वो उनको आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि यू नो क्वाइट डिफरेंट होगा और उनको यह रियलाइज़ होना शुरू अभी हुआ कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो जिस सोइल पे जिस सरफेस पे वो चल रहे थे वो बिल्कुल उनके लिए नया था फिर भी उनको ऐसा लगा कि आ, कुछ वहाँ पे जो आ, ग्रुप ऑफ़ रॉक्स थे या जो आ, उसका शेप था उनको पोर्ट ग्रेट चेन में जो उन्होंने देखा था उस चीज़ की याद दिला रहा था उसको फोर्सिबली उसको रिमाइंड कर रहा था कि वैसा ही नज़ारा इनके आंखों के सामने अभी फिर से वापस आ रहा है दिस कन्फर्म द इंडिकेशन ऑफ द कंपास ऑफ आर रिटर्न टू द नॉर्थ ऑफ दिस ग्रेट सेंट्रल सी आई वॉज सो लाइक आ स्टार्टिंग पॉइंट इट वॉज़ सो लाइक आर स्टार्टिंग पॉइंट दैट आई कुड स्क्योअरली डाउट द रियलिटी ऑफ आर पोजिशन स्ट्रीम्स एंड कैसकेट्स फेल इन हंड्रेड्स ओवर द numerous projections of the rocks। जब उनको यह एहसास एहसास हुआ कि जो ग्रुप ऑफ़ रॉक्स हैं और जो शेप्स हैं उनको सेब उसी तरीके का जो उनको पोर्ट ग्रेट चेन के पास में दिखा था तो यह इस बात का एक इंडिकेसन था कि जो उनका कंपास है वो फिर से उनको वही दिशा शो कर रहा था जहाँ से उन्होंने सेंट्रल सी की तरफ चलना शुरू किया था फिर से वापस वो वहीं पे आ गए थे इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और इस बात से वो यू नो दैट आई कुड स्क्य डाउट वो डरते हुए उसको डाउट भी कर रहा था कि जो उनका पोजीशन है वो फिर से रिटर्न हो चुका है और फिर से उनको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी फिर उन चीज़ों के थ्रू गो थ्रू जाना होगा आफ्टर दैट नो आई एक्चुअली थाट I could see a faithful and monotonous Hans, and the wonderful grotto in which I had come back in uh, come back to life after my tremendous fall. Now here, professor Sage uh, professor प्रोफे, बोलते हैं कि uh, फिर भी उनको ऐसा uh, लग रहा था कि उनको ऐसा विश्वास करना चाहिए उनके साथ में जो एक व्यक्ति um, Hans जो है वो काफ़ी फेथफुल uh, है और मोनोटोनस टाइप का इंसान है जिसके साथ में वो ग्रोटो ग्रोटो हियर इट मीन्स ग्रोटो मीन्स आई टेल यू द वर्ड मीनिंग ऑफ ग्रोटो इट्स अ स्मॉल केव एक छोटा सा केव uh, जैसा शेप uh, है उसमें वो बैठ करके वहाँ पे इस यू नो लाइक जगह तक पहुँचे थे एंड यू नो लाइक बहुत uh, उतार चढ़ाव देखने के बाद बहुत अप एंड डाउन देखने के बाद वो इस जगह पे पहुँचे थे देन एज वी एडवांस्ड स्टिल फादर फादर दिस पोजिशन ऑफ द क्लिफ द पेरेंट्स ऑफ अ स्ट्रीम द अनएक्सपेक्टेड प्रोफाइल ऑफ अ रॉक थ्रू मी अगेन इन टू अ स्टेट ऑफ डाउट उसके बाद जैसे वो कुछ दूरी आगे बढ़ते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि जिस जगह पे वो थे वो उनको एक क्लिफ़ जैसा लगा क्लिफ इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी स्टिफ्ट और जो स्ट्रीम uh, uh, जो वाटर का स्ट्रीम था वो एक्चुअली uh, उनको ऐसा याद दिला रहा था जो कि जिस अनएक्सपेक्टेड प्रोफाइल ऑफ़ रॉक जिसको कि उन्होंने सोचा भी नहीं था किस तरीके का पत्थर पहाड़ी पा, नुमा जगह था uh, उनको उसी जगह पे अचानक से ले जाएगा और यह बात उनको संदेह पैदा कर रहा था आफ्टर सम टाइम आई एक्सप्लेंड माई स्टेट ऑफ मेंटल indecision to my uncle he confessed to a similar feeling of agitation he was totally unable to make up his mind in the midst of this extraordinary extraordinary but uniform panorama now both the persons here the professor as well as uh, hans donoka मेंटल टल तो जो था एक दूसरे से एक्चुअली मैच हो रहा था और उन दोनों ने कन्फेस किया एक दूसरे से कि दोनों की जो फीलिंग है एक आ, वो मैच हो रही है उनको ये हेजिटेशन हो रहा है कि आ, वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में मतलब वो जिस जगह पे आए हैं वो एग्जैक्टली exactly वही स्टार्टिंग वाला जगह है या फिर वो कहीं और आगे की तरफ बढ़े हैं now here panorama means panorama is a complete view uh, of the whole surrounding region. panorama means a complete view of the whole surrounding region. now why this panorama was coming because they have been through those passage. उन रास्तों से वो गुजर चुके हैं और वही view जो है वही दृश्य जो है उनके दिमाग में फिर से वापस आ रहा एक दूसरे को वो बता नहीं पा रहा but बाद में हियर uh, वो कन्फेस करते हैं यहाँ पे वो कन्फेस करते हैं एक दूसरे से कि जो सिमिलियर फीलिंग ऑफ हेजिटेशन दोनों को एक दूसरे को uh, बताने में जो हो रहा था अभी वो दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन दोनों की सोच जो है उसी बात पे टिकी है कि वो दोनों वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था नाउ देर कैन बी नो डाउट आई इंसिस्टेड दैट वी हैव नॉट लैंडेड एग्जैक्टली एट द प्लेस वेंस वी फर्स्ट टुक आर डिपार्चर बट बट स्टॉम हैज प्राउड अस एब आ स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक दे आर फॉर इफ वी फॉलो द कोस्ट वी शैल वंस मोर फाइंड पोर्ट ग्रेट चैन फिर हैंस uh, जो है वो इंसिस्ट करके बोलता है कि uh, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग एग्जैक्टली exactly, uh, उस जगह पर नहीं आए हैं जहाँ से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की थी डिपार्चर लिया था लेकिन आ, उनको जो वो एक भारी स्ट्राम था जो उनको उस जगह के ऊपर ले आया है जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उन लोगों को वहाँ से आ, मतलब आ, इफ, आ, अगर वहाँ से वो फिर से उस चीज़ को फॉलो करते हुए कोस्ट के अलोंग चलना अगर शुरू करते हैं तो आ, वो फिर से वो उस पोर्ट ग्रेट चैन के पास पहुंच जाएंगे इन दैट केस क्राइड माई अंकल उस उस दशा में या उस स्थिति में अंकल ने बोला इट इज़ यूजलेस टू कंटिन्यू आर एक्सप्लोरेशन उस स्थिति में यह बिल्कुल बेकार होगा कि हम अपने एक्सप्लोरेशन को या अपने जो यात्रा को है जारी रखें द वेरी बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ टू मेक आर वे बैक टू द रैफ्ट आई यू क्वाइट स्योर हैरी दैट यू आर नॉट मिस्टेक इन तो अंकल उससे पूछते हैं कि उस दिशा में जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल यू नो लाइक यूजलेस होगा तो जो सबसे सही तरीका हो सकता है जो सही सबसे सही चीज़ हो सकता है कि उनको वापस अपने रैफ्ट में जाना चाहिए ग्रोटो में जाना चाहिए और फिर वहाँ से जो है वो अपने आगे का रास्ता तय करेंगे और इस विषय में जो है उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्वाइट श्योर sure हो कि तुम जो बोल रहे हो वो मिस्टेकन नहीं है वो तुम मतलब जिस जगह के बारे में बता रहे हो उस जगह के बारे में श्योर हो कि ये वही स्टार्टिंग प्लेस नहीं है उससे अबब का पार्ट है उससे ऊपर का हिस्सा है नाउ हैंस रिप्लाई वह बोलता है इट इज़ डिफ़िकल्ट वॉज माई रिप्लाई यह कठिन है बतला पाना टू कम टू एनी डिसीजन फॉर ऑल दिस रॉक्स आर एग्जैक्टली अलाइक और यह बतला पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस जितने रॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं सामने में वह सब एक जैसा दिख रहा है एट द सेम टाइम द इम्प्रेशन ऑन माई माइंड इज दैट आई रिकोगनाइज द प्रो मटोरी प्रो मटोरी एट द फुट ऑफ विच हैंड्स कंस्ट्रक्टेड द राफ्ट वी आर आई एम नियरली कन्विंस्ड नियर द लाइक लिटिल पोर्ट इफ़ दिस बी नॉट इट आई एडिट केयरफुली एग्जामिन अक विच अपियर सिंगुलरली फेमिलियर टू माई माइंड नाउ इन दिस पैरा जब हैंस बोलता है कि काफ़ी मुश्किल है उसके लिए बतला पाना कि चूँकि वो सारे रॉक्स को देखने के बाद जो सब एक जैसा दिख रहा था तो उनके दिमाग में एक ऐसा इम्प्रेशन बैठ गया कि अब उनको कुछ और ऐसा चीज़ देखना चाहिए जिससे उनको ऐसा एहसास हो या बिलीव हो कि वो उसी जगह पे नहीं पहुँचें जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था सो दे हैव रिकोगनाइज द प्रो मटोरी नाउ प्रो मटोरी मीन्स हियर इट मीन्स अ लॉन्ग नैरो एरिया ऑफ हाई लैंड दैट गोज़ इन टू द सी एक लंबा सा ऐसा नैरो एरिया है जो कि हाई लैंड से होता हुआ सी uh, में जाके मिल जाता है दैट इज कॉल्ड प्रो मटोरी and uh, when एंड वेन दे सो यू नो near the foot of द which was हैंच uh, constructed the raft जो एक रास्ता बना रहा था इस बात को लेकर के उन्होंने डिसीजन uh, बनाने का मन में सोचा नाउ वो बोलते हैं कि uh, इस बात से uh, प्रोफेसर जो है कन्विंस हो जाते हैं लगभग लगभग कन्विंस हो जाते हैं कि वो एक लिटिल पोर्ट uh, के नज़दीक पहुँचें और अगर ऐसा नहीं है तो उन लोगों को uh, थोड़ा आगे और चल के एग्जामिन करना चाहिए कि क्या कुछ डिफरेंट है uh, जिस प्लेस से उन्होंने स्टार्ट किया था ये प्लेस क्या डिफरेंट है जो पहले प्लेस से उन्होंने स्टार्ट किया था एंड वाइल केयर फुली एग्जामिनिंग दे सौ क्रिक उनको एक uh, दरार uh, दिखा जिसको कि uh, उन्होंने uh, देखा वहाँ पे और एक्चुअली एक अनयूजुअल क्रिक दिखा सिंगुलरली मीन्स अनयूजअल नाउ प्रोफेसर सेज उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं माई डियर बॉय इफ दिस वर द केस वी शुड फाइंड ट्रेसेज ऑफ आर ओन फुट स्टेप्स सम साइंस ऑफ आर पैसेज एंड आई कैन रियली सी नथिंग टू इंडिकेट आवर हैविंग पास्ट दिस वे फिर वो हैंस को बोलते हैं माई डियर बॉय कि अगर ऐसा अगर इफ़ दिस वर द केस अगर ऐसा है ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में उस दिशा में जो है हम लोगों को अपने ट्रेसेस को अपने फुट स्टेप के ट्रेसेस को हमारे पैर के निशान को जो है देखना पड़ेगा कि कहीं कोई जब हम रास्ता तय कर रहे थे तो कहीं हमारे पैर के निशान पड़े होंगे उसको देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि दैट हम लोगों ने इस रास्ते को ऑलरेडी पास कर चुके हैं या पास किया है कभी बट आई सी समथिंग हैंस बोलता है कि लेकिन मुझे कुछ और दिखा एंड हैंस चिल्लाता है इन अ सडन टोन ऑफ वॉयस एंड आई रस्ट फॉरवर्ड एंड ईगर्डली अप समथिंग विच शोन इन द सैंड अंडर माई फीट और वह बोलता है कि मुझे कुछ दिखा और वहाँ से वो आगे बढ़ता है थोड़ी दूरी पे जाकर के वहाँ से कुछ चीज उठाता है जो कि uh, उसके पैर के नीचे uh, सैंड में दबा हुआ था नाउ प्रोफेसर आस वो प्रोफेसर पूछते हैं वॉट इज़ इट यह क्या है क्राइड द एस्टोनिश्ड एंड बिविल्डर प्रोफेसर एक यू नो जिज्ञासाबस आवाज में वो उससे पूछते हैं दिस वॉज माई रिप्लाई यह हैंड्स का जो है रिप्लाई था यह है एंड आई हैंडेड टू माई स्टार्टल्ड रिलेटिव रस्टी डैगर ऑफ सिंगुलर शेप और उसके बाद जो है वो वो डैगर डैगर इज़ अ लाइक यू कैन से इट्स अ वेपन यू कैन से इट्स अ वेपन टाइप ऑफ जिसका कि स्टील uh, का बना होता है जो कि उसके हाथ में था और उसको वो देखते हुए बतलाता है कि एक्चुअली uh, कुछ uh, मिलता जुलता डैगर है जो कि उसने देखा या उसके बारे में उसने uh, पढ़ा होगा uh, कभी किसी बुक में दैट वाज वेरी मच फैमिलियर टू देम नाउ इन दिस पैरा वट मेड यू ब्रिंक विथ वट मेड यू ब्रिंक विथ यू सो यूजलेस अ वेपन ही एक्स क्लेम्ड इट वॉज नीडलेसली हैिंग योर सेल्फ आई ब्रिंग इट इट इज़ क्वाइट न्यू टू मी आई नेवर सॉ इट बिफोर आई यू सोर इट इज़ नॉट आउट ऑफ योर कलेक्शन तो हैंस से प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम्हें किसने बोला था इस यूजलेस वेपन को अपने साथ में लाने के लिए ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को और इसको अगर अपने साथ में रखते हैं दैट मीन्स वी आर हैम्परिंग आर सेल्फ यू आर हैम्परिंग योर सेल्फ तो हैंड्स जो है बोलता है मैं लाऊंगा इसको मैं क्यों लाऊंगा यह बिल्कुल मेरे लिए नया है मैंने इसको कभी देखा नहीं है एंड uh, uh, उसके बाद प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि आर यू श्योर इट इज़ नॉट आउट ऑफ योर कलेक्शन क्या तुमने इसको नहीं लाया है? तुम्हारे पास से नहीं आया है नो दैट आई नो ऑफ सेट द प्रोफेसर पज़ल्ड फिर उसके बाद प्रोफेसर थोड़ा पज़ल्ड हो जाते हैं और उसमें वो बोलते हैं नहीं अब मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ द सर्कम टांसेस इट वॉज नेवर माई प्रॉपर्टी और मुझे इस के बारे में बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं है और यह कभी मेरा प्रॉपर्टी नहीं रहा है दिस इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डनरी आई सेड म्यूजिंग ओवर द नोबल एंड सिंगुलर इंसिडेंट और बोलते हैं यह मेरे लिए बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने नोबल में पढ़ा है ये अनयूजअल इंसिडेंट ऐसी अनयूजल uh, uh, घटनाएं जो है मैंने इनके बारे में नोबल में पढ़ा है नॉट एट ऑल द इज़ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन द आइसलैंडर आर नोन टू कीप अप द यूज़ ऑफ दिस ओल्ड फैशन वेपन्स एंड दिस मस्ट हैव बिलोंग टू हैंज लेट इट फॉल विदाउट नोइंग इट लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर जो है उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि ये जो वेपन है एक्चुअली काफ़ी पुराना है और ये एक्चुअली आइसलैंडर जो लोग होते थे उनको बिलोंग करता था उनके पास ये वेपन्स पाए जाते थे एंड चूँकि हैंस जो है एक आइसलैंडिक गाइड है तो ये उसका हो सकता है और उसने बिना बताए हुए जो है वो लेके आया और उसके पास से चीज़ गिरा होगा उसके और उसके पैरों के नीचे गिरा होगा आई शुक माई हेड दैट डैगर हैड नेवर बीन इन द प्रोसेसन ऑफ द पीसफुल टैकिटर्न हैंस आई न्यू हेम टू वेल नाउ उसके बाद प्रोफेसर जो है ख़ुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जो डैगर है वो एक्चुअली हैंस uh, का नहीं है क्योंकि हैंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एंड टैकिटर्न हीर मीन्स टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच क्योंकि हंस ज़्यादा बोलता नहीं है तो उसके ऊपर यू नो एक्चुअली भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो जब उसने बोल दिया कि वह उसका नहीं है तो उसका नहीं होगा एंड अगर वो फोर्स करेंगे ज़्यादा तो दे विल बी अ प्रॉब्लम बिटवीन बोथ ऑफ देम नाउ नेक्स्ट पैरा देन व्हाट कैन इट बी अनलेस इट बी द वेपन ऑफ सम प्री हिस्टोरिक वॉरियर उसके बाद वो बोलते हैं तो क्या यह क्या हो सकता है uh, हो सकता है कि ये किसी प्री हिस्टोरिक वॉरियर का वेपन हो बिकॉज प्रोफेसर uh, भी लेकर नहीं आए और हैंड्स भी लेकर नहीं आया ना प्रोफेसर कंटिन्यू ऑफ सम लिविंग मैन अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द माइटी शेफर्ड फ्रॉम अ होम वी हैव जस्ट स्केप्ड बट नो मिस्ट्री अपॉन मिस्ट्री दिस इज नो वेपन ऑफ द स्टोनी इरा नॉर इवेन द ब्रॉन्ज पीरियड इट इज़ मेड ऑफ स्टील. नाउ वो बोलते हैं कि शायद पुराने लोगों का होगा या शायद उस शेफर्ड का होगा जिससे वो लोग बच के अभी आ, आगे बढ़े हैं और यह एक रहस्य है और रहस्य के ऊपर रहस्य है लेकिन इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया और वो इस निष्कर्ष पर आए कि स्टोनी इरा का तो नहीं लगता है आ, वो आ, 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 जिसमें एस्टोनरा में पत्थरों को काट के वेपन्स बनाए जाते थे ये जो है ब्रॉन्ज पीरियड का भी नहीं लगता है क्योंकि इसका जो बनावट है वो स्टील से और ये जो बना हुआ जिस जिस चीज का बना हुआ वो एक्सलेंट स्टील है नाउ माई अंकल स्टॉप मी शॉर्ट फ्रॉम एंट्रिंग अपॉन अ होल ट्रेन ऑफ थियोरीज एंड इन हिज मोस्ट कोल्ड एंड डिसाइडेड टोन ऑफ वायरस उसके बाद प्रोफेसर ने उसको चुप करवाया और चुप करवाने के बाद उन्होंने बोला कि यूजलेस थियोरीज़ को बनाना बंद करो और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बैठ के शांत शांति से डिसाइड करते हैं कि ये किस आ, किस वक्त का है किस पीरियड का है नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव Reached to the end of today's uh, part, and um, the remaining part will be continued in a uh, next uh, uh, day. So uh, till then, bye. Take care and have a nice day. Thank you.